एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चंस ऑन मैथ का कंटिन्यूएशन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था, बीबी सर के कंपाइलर के क्वेश्चंस। अभी हम कंटिन्यूएशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो जो अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम यहाँ पर बीबी सर के क्वेश्चंस, कंपाइलर के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं डीटी का। सो अगर इसमें जो भी आपको डाउट अगर कुछ होता है कॉन्सेप्ट्स में तो वो क्लियर हो सके और हमें कोई बगैर प्रॉब्लम के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। आप अपने कंपाइलर साथ में लेके स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? हाइपर लिमिटेड, क्या नाम है? हाइपर लिमिटेड एंगेज इन डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज अर्न द प्रॉफिट ऑफ 14,25,000 आफ्टर डेबिट क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स टू इट्स P&L। तो प्रॉफिट हमें बता दिया है, कितना प्रॉफिट है? 14,25,000, ठीक है। और उसके बाद हमें बता दिया है कि आइटम्स क्या डेबिट और क्रेडिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो जैसे कि हमारा दिखा रहा है डेबिट हुआ है प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी, इनकम टैक्स डिमांड, डेप्रिसिएशन और सो ऑन सो ऑन, ठीक है। और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 1,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रीवैल्यूएशन का डेटा दिया है तो हम जानते हैं हमारा मैट में काम आएगा ही। तो डेप्रिसिएशन अलाउबल एज पर इनकम टैक्स रूल्स 2,80,000। इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन कभी भी देगा तो हमें मैट के लिए तो इग्नोर करना है, मैट का कोई यूज नहीं आएगा। अगर हाँ क्वेश्चन में अगर कुछ फर्दर टोटल इनकम वगैरह बोलेगा देन वी नीड टू यूज इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन, बट इन केस ऑफ मैट इट्स जस्ट देयर टू कन्फ्यूज अस। उसका कोई यूज नहीं होता है डेप्रिसिएशन जो एज पर इनकम टैक्स होता है मैट के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद दे दिया है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बोथ एज पर बुक्स एंड एज पर इनकम टैक्स दे दिया है। तो ये दो अलग अलग देने का कारण क्या है? ये हमें जनरली, हमें आप पहले क्वेश्चंस देखोगे या आगे जाके भी क्वेश्चंस देखोगे, हमारे क्वेश्चंस में हमेशा रहता है कि ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एंड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इतना इतना, ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते कि एज पर बुक्स कौन सा है, एज पर इनकम टैक्स कौन सा है। बट यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है, मेंशन करने का कारण ये है क्योंकि हमारा जो एज पर इनकम टैक्स है वो सब जब हम टोटल इनकम निकालते हैं, PGBP का इनकम निकालते हैं, उस हिसाब से उसका तब अमाउंट एज पर इनकम टैक्स यूज होता है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स यूज होता है। बट इन केस ऑफ मैट हम बुक्स अमाउंट एज पर बुक्स यूज करते हैं, इस बोल के ही दिया हुआ है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर कि एज पर मैट जो होता है हमारा वहाँ यहाँ यूज होता है डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, और जो हम नॉर्मल टोटल इनकम निकालते हैं जिसमें हम PGBP का इनकम निकालते हैं उसमें यूज होता है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। यहीं पर यूज होता है ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सब एज पर IT एक्ट इनकम टैक्स, और यहाँ पर यूज होता है ये सब ब्रॉट फॉरवर्ड वगैरह भी, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। ये डिफरेंस है। और एक डिफरेंस क्या है इसमें? हम दोनों बोथ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस भी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों ही सब्सट्रैक्ट होता है नॉर्मली, बट यहाँ पर हम कौन से, जब अगर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों दिया रहता है तो हम क्या माइनस करते हैं? लोअर, इन दोनों का जो लोअर होता है वो माइनस होता है। ये इन दोनों का मेजर डिफरेंस है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। सी, इस बोल के हमें इतना इन्फॉर्मेशन दिया है सेग्रीगेट करके अलग अलग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, हमें टोटल इनकम निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 और सारे आइटम्स का रीजन देके ट्रीटमेंट का, और नेक्स्ट हमें बताना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 115JB यानी कि मैट का एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताना है, और कंप्यूट करना है बुक प्रॉफिट और टैक्स क्रेडिट टू बी कैरी फॉरवर्ड। मैट के हिसाब से हमें बुक प्रॉफिट और अगर हमारा कोई मैट का क्रेडिट है जो कि हमें कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो भी बताना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का पूरा रिक्वायरमेंट है। और टैक्स रेट एप्लीकेबल भी बता दिया हमें 25%, तो ये भी ध्यान रखना कि टैक्स रेट ऑलरेडी दे चुका है। ये हमारा पूरा टोटल यहाँ पर क्वेश्चन जो है समअप हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत ईजी है मैट, बहुत ईजी चैप्टर है, इसका क्वेश्चन बहुत ईजी है। हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमारा कोई भी दिक्कत नहीं हुए और हमारा कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब फॉर्मेट के लिए सर का बुक रेफर कर सकते हैं। आई एम जस्ट हियर टू हेल्प विद द कॉन्सेप्ट्स। तो फटाफट देख लेते हैं। टोटल इनकम निकालना है तो सबसे पहले एज यूजुअल हम अपना नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 14,25,000। अब हम इसमें ऐड और लेस देखेंगे।
तो सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है, तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आइटम्स डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडियरी दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डिमांड दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो भी प्रोविजन है वो सब नॉर्मली एड बैक कर देंगे, टोटल इनकम में भी इसमें भी हम ऐड, जब टोटल इनकम में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सब एडबैक हो गए, मैट के लिए हमें सोचना होगा कि कौन सा नहीं, तो यहाँ पर हम एडबैक कर देंगे प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडियरी। एक काम करते हैं, नहीं तो साथ में ये भी बना, अच्छा नहीं तो छोड़िए आगे टोटल इनकम कर लेते हैं फिर बुक प्रॉफिट के हिसाब से निकाल लेते हैं, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडियरी ठीक है, और यहाँ पर ऐड क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनकम टैक्स रिफंड दिया हुआ है, हाँ वो भी कर लेंगे, आईटी डिमांड ये कितना है, ये 70,000 है, ये 105,000 है ठीक है, फिर डिप्रिसिएशन एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ हम जानते हैं ये हमारा ऐड बैक हो जाएगा, कितना डिप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 3,60,000, 3,60,000। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड टू बायर्स ऑन 31st March फॉर एडवांस रिसीव फ्रॉम देम ऑन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड इन अप्रैल 2021 एंड वाज डिपॉजिटेड ऑन 31 July 2021। तो ये लेट डिपॉजिट का टीडीएस लेट डिपॉजिट हुआ है, तो इस बोल के हम जानते हैं कि सेक्शन 40AIA के हिसाब से बोलता है पीजीबीपी का कि हमारा अगर टी डी एस डिफॉल्ट होता है काटने में या डिपॉजिट करने में, तो हमें हमारा सिर्फ 70% अलावेबल होगा डिडक्शन, बाकी 30% एड बैक हो जाता है, मतलब डिसअलाउ हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 30% डिसअलाउ कर देंगे, एड बैक हो जाएगा हमारा, तो कितना एड बैक होगा लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पूरा आप मैंशन करोगे, वो होगा हमारा टू बी एडेड बैक एट द रेट 30%, कितना है टोटल अमाउंट, कितना है 1 लाख, 1 लाख का 30% कितना है 30,000, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, 30% हमारा एडबैक हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है, इस बोल के एडबैक हो जाता है, तो 1 लाख का 30% एट द रेट 30% दिखा सकते हैं, 1,30,000 इसलिए हमारे यहाँ एडबैक हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आइटम्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई से यूनिट्स हमें मिला है 75,000 का इनकम है, तो ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है, यहाँ पर पीएनएल में क्रेडिट हुआ है, तो इसे हम लेस कर देंगे, लेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मेंशन कर देंगे स्पेसिफिकली क्या है, इनकम फ्रॉम यूटीआई कितना है 75,000 ठीक है, और अच्छा यहाँ पर हम टोटल कर देते हैं पहले, ये हमारा टोटल हो गया ठीक है, अब हमारा अब क्या आता है, अब डेप्रिसिएशन पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर ध्यान देने का है जब हम टोटल इनकम के हिसाब से करते हैं तो डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट माइनस होता है, वो जो हमारा रिवैल्यूएशन का पॉइंट, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सो वी नीड टू इग्नोर द रिवैल्यूएशन पॉइंट एंड जस्ट डिडक्ट एज पर आईटी एक्ट, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना है 2,80,000, तो यहाँ पर हम 2,80,000 माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो कि हम अभी डिस्कस किए थे कि यहाँ पर हमारा नॉर्मली पीजीबीपी में दोनों, इसमें थोड़ी ना है लोअर ऑफ द टू, इसमें तो हम दोनों ही डिडक्ट करते हैं, तो वही लेस कर देंगे, लेस क्या है अनअब्सॉर्ब ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, ये है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और यह है डेप्रिसिएशन ठीक है, कितना कितना है देखिए सब टोटल कर देंगे, ये हमारा ओवरऑल हम देखते हैं हम कौन सा ईयर का बना रहे हैं 21-22 का, तो उसके प्रीसीडिंग तीनों ईयर का दिया है, तो क्या दिया है एज पर इनकम टैक्स अमाउंट, एज पर इनकम टैक्स में देखेंगे बिजनेस लॉस दिया हुआ है 2 लाख 1 लाख और 1,20,000 ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि बिजनेस लॉस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का प्रीवियस ईयर का कितना है डेटा 2 लाख 1 लाख 1.2 लाख, ये हम एज पर आई टी देख रहे हैं इनकम टैक्स वो, और ये हमारा टोटल हो जाएगा 4.2 लाख, और डेप्रिसिएशन में लिख रहे हैं 2.5 लाख 1.8 लाख और 2.1 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 6.4 लाख, तो ये हम रेस्पेक्टिवली दोनों ही माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना फिगर आ जाएगा ये और ये, यानी कि 4,20,000 और 6,40,000, ये हमारा दोनों ध्यान रखना है दोनों लेस हो जाएगा, तो हम अब इसका सब और बाकी और तो कुछ नहीं है हमारा, तो ये सब माइनस हो जाएगा, पीजीबीपी का इतना ही टोटल इनकम है, ये तो हमारा सब कुछ कर वर के आ रहा है
कितना आ रहा है 5,75,000, ये हमारा आ रहा है बिजनेस इनकम। अब हम दूसरा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यूटीआई इनकम माइनस किए थे वो अब दूसरा हेड में जाएगा, तो वो क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दूसरा हेड है उसमें इनकम फ्रॉम यूटीआई, तो ये इनकम फ्रॉम यूटीआई 75,000 हो गया, तो ये हमारा टोटल आ गया 6,50,000 हमारा निकल गया जो हमारे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था टोटल इनकम। अब इस पर हम टैक्स निकल जाएगा एट द रेट 25%, ये हमारा और प्लस HEC हो जाएगा एट द रेट 4%, ये हमारा निकल जाएगा टोटल टैक्स पेबल, ये हमारा एस नॉर्मल टैक्स पेबल और ये हमारा टोटल इनकम, ये दोनों चीज़ हमारा निकल गया। अब हमें बुक प्रॉफिट करना है, तो बुक प्रॉफिट का मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर से सारा चीज़ नहीं लिख रही हूँ कि क्या है, बेसिकली हमें समझना है तो अभी भी जो समझेगी तो ये वाला आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बुक प्रॉफिट, क्योंकि मतलब फिर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। देखिए प्रॉफिट क्या है, यहाँ पर भी हम सेम लेंगे 14,25,000। अब बुक प्रॉफिट में हमें ध्यान देना है क्या ऐड होता है और क्या लेस होता है, हमारा एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब इतना ही आइटम्स हमारा ऐड होगा लेस होगा हमें पता है सबका, इसमें जो आइटम्स दिया होगा हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डिमांड है, हम जानते हैं ये सब कुछ ऐड बैक होगा क्योंकि इनकम टैक्स का डिमांड है या सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, सब कुछ ऐड बैक होता है। ऐड बैक क्या नहीं होता है, अगर इनकम टैक्स का कोई पेनल्टी हो तो हमारे किसमें ये तो नहीं है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डिमांड नॉर्मली है, तो ये दोनों चीज़ ऐड हो जाएगा। तो इसमें हम ऐड कर देंगे वापस से 70,000, 1,05,000, दोनों प्रोविजन ऐड हो गए। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट वेल एंड गुड हम जानते हैं प्लस 3,60,000 होगा ही, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा प्लस हो जाता है तो ये होगा ही। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिटेड टू बायर, जिसमें TDS हमने लेट डिपॉजिट किया, हम जानते हैं ऐसा कोई भी चीज़ हमारे, हमें जब टोटल इनकम निकालना होता है उस केस में हमारा डिसअलाउ होता है 30% और वो सब चक्कर होता है, बट इस केस में बुक प्रॉफिट और मैट के केस में हम जानते हैं ये पॉइंट कहीं हमारे लिस्ट में नहीं है, तो इस पॉइंट को हमें इग्नोर करना है, कुछ भी उसका नहीं करना है क्योंकि मैट के इनकम में उसका कुछ भी रेलेवेंस नहीं है, तो वो पॉइंट हम इग्नोर करेंगे, ये जस्ट हमें टोटल इनकम का यूज था हमारा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI, अब UTI का ये भी हमारा कुछ नहीं है जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो ये भी हम इनकम इग्नोर करेंगे, तो बेसिकली हमारा ये तीन ही चीज गया ऐड में। अब हम लेस कर देंगे, लेस क्या करेंगे, हमारा डिप्रिसिएशन फिर से लेस होगा, पर इसमें क्या होगा माइनस रिवैल्यूएशन वाला अमाउंट अब हमारा काम आएगा, इसमें इनकम टैक्स वाला डिप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं होगा, इसमें हमारा यूज क्या होगा, हमारा ये जो डिप्रिसिएशन है 3,60,000 माइनस जो हमारा दिया हुआ है कितना रिवैल्यूएशन का 1,50,000 वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3,60,000 माइनस 1,50,000, ठीक है 3,60,000 माइनस 1,50,000, तो ये हमारा हो जाएगा 2,10,000, ये हमारा यहाँ लेस होगा। और क्या लेस होगा हमारा, नेक्स्ट हम बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, हम जानते हैं लोअर ऑफ द टू, तो बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन पूरा इसका टोटल कर देंगे हम, बिजनेस लॉस का टोटल कितना हो रहा है 2,50,000 प्लस 3,50,000 इक्वल्स टू 6,00,000 और डिप्रिसिएशन का टोटल हो रहा है 3,00,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3,15,000 इक्वल्स टू 8,85,000, तो लोअर ऑफ द टू लेना है 6,00,000 और 8,85,000 का लोअर क्या होगा 6,00,000, तो यहाँ पर लेस लोअर ऑफ बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो कि हो रहा है 6,00,000, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, हमारा 14,25,000 में ये तीनों प्लस हुआ, माइनस में क्या हो रहा है डेप्रिसिएशन और यहाँ पर ये लोअर ऑफ बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये हमारा दोनों लॉस माइनस हो जाएगा, तो हमारा निकल जाएगा बुक प्रॉफिट। ये इतना ईजी था, जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स देखे हैं उसे हमें इग्नोर करना है, जनरल हमारे जो पॉइंट्स आते हैं सिर्फ उसे ही रेलेवेंस में लेना है, तो हमारा बुक प्रॉफिट निकल जा रहा है कितना निकल जा रहा है 11,50,000। तो बस ये हमारा निकल गया क्या बुक प्रॉफिट निकल गया। और मैट कैसे निकलेगा, मैट निकलेगा इसका एट द रेट 15% प्लस HSC एट द रेट 4%, तो ये हमारा ये कर देने से टोटल आ जा रहा है 1,79,400। ये क्या है, ये हमारा टैक्स एज पर मैट है, और ये हमारा ये जो नॉर्मल टैक्स ये कितना निकला था, ये आपका निकल जाएगा करेंगे कैलकुलेशन 1,60,000। तो हम कंपेयर करेंगे, हमारा हमें बोला गया था ये दोनों चीज़ निकालने, टोटल इनकम निकालो उसके हिसाब से टैक्स निकालो, बुक प्रॉफिट निकालो उसके हिसाब से मैट के हिसाब से निकालो, मतलब मैट के हिसाब से टोटल इनकम निकालने से ज़्यादा तो ईजी मैट का है क्योंकि उसमें सिर्फ हमारा एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मैंने उससे ऊपर और कुछ नहीं, जो उस लिस्ट में दिया है उससे उतना ही इसमें हमें ट्रीटमेंट करना है। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों में से, हम जानते हैं हायर ऑफ द टू पे करते हैं हम,
पहले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं, तो हायर ऑफ द टू मतलब 169,000 और 179,400 में ज़्यादा कौन सा होगा? 179,400। तो हमारा हम किस हिसाब से किसको डील करेंगे एज हमारा इनकम और टैक्स? हम ऑफकोर्स हायर वाला, तो हमारा बुक प्रॉफिट जो हो जाएगा हमारा इनकम, टोटल इनकम इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हमारा आ रहा है, और यही इसका टैक्स पेबल जो हमारा मैट ज़्यादा है इस बोल के हम इसी को इसको ही हम टैक्स देंगे। तो अगर हम ये टैक्स दे रहे हैं तो हम जानते हैं जब हमारा मैट ज़्यादा होता है नॉर्मल टैक्स से तो उस केस में मैट क्रेडिट आता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि अगर कोई टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करना है क्या, तो अग्रीड इसमें करना ही है। क्यों? क्योंकि हमारा मैट ज़्यादा है नॉर्मल टैक्स से। सो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो हमारा टैक्स क्रेडिट है जो कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर 15 असेसमेंट ईयर्स। ये माइनस ये आप कर देंगे जो कि आ रहा है ₹10,400 टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 15 असेसमेंट ईयर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम मैट ज़्यादा पे करते हैं नॉर्मल टैक्स से उस केस में हमें मैट क्रेडिट मिल जाता है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि हम इसे ही बोलेंगे कि बुक प्रॉफिट इज आर विल कंसिडर बुक प्रॉफिट विल बी डीम टू बी द टोटल इनकम एंड ये जो हमारा है वही हमारा टैक्स पेबल बनेगा मैट के हिसाब से जो टैक्स है। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। विराज एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, तो ये हमारे पास है विराज लिमिटेड जिसका प्रॉफिट कितना है? 95 लाख है प्रॉफिट। 95 लाख एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया है आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो हमें क्या क्या दे दिया है? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 50,000 इज इक्वल टू 5 लाख। इंटरेस्ट भी हम जानते हैं, प्रोविजन जो हम ये बुक प्रॉफिट निकालते हैं मैट का उसमें हम जानते हैं सारा प्रोविजन एड बैक होता है एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर एसेट एंड लायबिलिटी। तो उसमें जो ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है वो तो ऐड होगा ही, उसमें हम हमेशा जानते हैं प्रोविजन ऑफ टैक्स। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में हमेशा याद रखिएगा इंटरेस्ट सरचार्ज सेस सब कुछ इंक्लूडेड होता है, मतलब सब कुछ हम ऐड बैक कर लेते हैं। क्या चीज़ ऐड बैक नहीं होता है? ये तीनों ऐड बैक हो जाता है अगर दिया रहेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इंक्लूडिंग सरचार्ज इंक्लूडिंग सेस। कोई दिक्कत नहीं है, हमें वापस उसको नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करना होता है, वो हमारा बुक प्रॉफिट में आएगा। क्या चीज़ नहीं आता है? कोई भी चीज़ का अगर पेनल्टी दिया होगा, अगर जैसे अगर पेनल्टी फॉर इनकम टैक्स दिया होगा तो ये ऐड बैक नहीं होगा, ये इंक्लूडेड नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो हमारा क्वेश्चन में से भी है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 50,000, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड। 5 लाख के अंदर 50,000 इंक्लूडेड है, पूरा ऐड बैक होगा, ठीक है। GST 70,000, डेप्रिसिएशन 4 लाख, ऐसे करके सो ऑन। तो करना स्टार्ट करते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन एक बार आगे देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, हमेशा याद रखिएगा इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से जो भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो मैट के लिए इररिलेवेंट पॉइंट है। वो कब यूज़ होता है? टोटल इनकम कैलकुलेट करने वक्त ही होता है। तो यहाँ पर हमारा मैट के लिए अगर करना है तो नो यूज़, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स इंक्लूड्स 1,90,000 ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1 लाख पेबल टू वाई, प्रॉफिट एंड लॉस इतना, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड वॉज 4,70,000, यानी कि डेबिट बैलेंस, मतलब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस यानी कि जो हमारा लॉस है वो कितना है? 4,70,000, उसमें अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है 4,10,000। तो हम बाइफरकेट कर देंगे कि अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है 4,10,000, टोटल कितना है 4,70,000। तो 4,70,000 माइनस 4,10,000 हो गया बाकी का बिजनेस लॉस, ये हमारा बिजनेस लॉस का ही टोटल था। बिजनेस लॉस हो गया 4,70,000 माइनस 4,10,000, दैट इक्वल्स टू 60,000 ये हमारा। तो हम हमेशा जानते हैं मैट में क्या लेते हैं, लोअर ऑफ द टू 60,000 या 4,10,000, लोअर ऑफ द टू लेंगे यानी कि हमारा हो जाएगा 60,000 माइनस हो जाएगा मैट निकालने का। और क्या है? द कंपनी इज एन एलिजिबल SSC एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115BF ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। हम जानते हैं ये जो अगर 115BF जो है वो जो हमारा होता है रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम पेटेंट्स, ये भी हमारा एक पॉइंट है। अगर आप देखोगे वो मैट एग्जॉस्टिव जो लिस्ट है कि जो हमारा ये रॉयल्टी वगैरह है वो भी हमारा एड लेस होता है। अगर रॉयल्टी रिसीव्ड है और ये रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 115BF तो वो लेस हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर रॉयल्टी के इक्विवेलेंट जितना अमाउंट गया होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, साथ ही साथ सारा पॉइंट पर कवर करेंगे। तो हमें क्या बोला है निकालिए, हमें यहाँ पर मैट बेसिकली निकालना है, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ मैट अंडर सेक्शन 115।
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एज यूजुअल अपना नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे। 95 लाख है, 95 लाख। इसमें हम सारा ऐड कर देंगे अपना जितना भी है। पहला देखिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स पूरा ही ऐड हो जाएगा, इंक्लूडिंग 50,000 है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पूरा 5 लाख ऐड हो जाएगा। मैंने आपको रीज़न बता दिया है ऊपर। फिर नेक्स्ट है जीएसटी। जीएसटी का हमारा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हमारे मैट का जो लिस्ट है सिर्फ हमें वो दिखना है, तो हमें जीएसटी यानी कि इग्नोर करना है। नोट में कर देंगे कि मैट जीएसटी हमारा जो है वो अपने बुक प्रॉफिट के लिस्ट में नहीं आता, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द आइटम्स कैलकुलेटेड। हम यहाँ बोल सकते हैं कि एज जीएसटी इज नॉट मेंशन इन द स्पेसिफाइड आइटम्स ऑफ एक्सप्लेनेशन जो मैट का है, इस बोल के द सेम कैन नॉट बी एडेड बैक फॉर कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट, तो यहाँ पर हमारा जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के सबसे क्या दिया है, 4 लाख। वेल एंड गुड, हम जानते हैं हमारा डेप्रिसिएशन ऐड हो जाता है एज पर जो प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज। अब इतना बार मैंने ये पॉइंट कम से कम 1000 बार भूल गया जितना बार हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे पहले एक्सप्लेनेशंस में भी। अब क्या है, इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनपेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। हम ये जानते हैं ये पॉइंट्स हमें कुछ नहीं करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि बुक प्रॉफिट के टाइम में ये पॉइंट का कोई रेलेवेंस नहीं है। नेक्स्ट है रिजर्व्स फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। हम जानते हैं कि कोई भी रिजर्व हम क्रिएट करते हैं, ट्रांसफर होता है या हम रिजर्व बनाते हैं, तो वो हमारा एडबैक हो जाता है, तो रिजर्व फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन यहाँ आ जाएगा। उसका कितना है, 1,30,000 है, तो आ जाएगा। अगर हम कोई रिजर्व से विड्रॉ करते हैं तो वो लेस हो जाएगा, अगर कोई रिजर्व में ऐड करते हैं या कोई रिजर्व क्रिएट होते हैं क्रिएट करते हैं तो वो ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट में, ठीक है, 1,30,000। फिर नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ। कोई भी पेनल्टी जो है वो नहीं आता है, पेनल्टी हम एडबैक कभी नहीं करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, तो ये भी हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब आइटम्स क्रेडिटेड में देखते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी 1,40,000, ये भी हम कुछ नहीं करेंगे। ये हमारा रिसीव जो क्या हुआ, ये हमारे एक्सप्लेनेशन के आइटम्स में बुक प्रॉफिट का में नहीं आता है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड 10 लाख, ये भी हमारा नहीं आएगा। इसका हम एक बार इसका जो पॉइंट है वो एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखिए नोट्स में सेकंड नंबर में लिखा हुआ है, देखिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स सिंस रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। However, the same cannot be reduced while computing the book profit since no express provision is there under section 115JB to exclude such profits while computing the book profit. यही line है हमारा the most important point कि ये point ये चीज reduce हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि since no express provision is there, ये वाला list जो है हमारा इसमें जितना items है सिर्फ हमें उसी को add और less करना है। ये हमको कुछ points दे दिए हैं, सिर्फ हमें उसे ही consider करना है, इसके छोड़ के कुछ भी point आता है तो हमें इसे ignore करना है। तो जो हमारा explanation में ये point नहीं है, we need to just ignore that point। कोई भी ऐसा point आए जब कोई नया लगे नहीं है कभी भी, तो वो हमें इग्नोर ही करना है। सिर्फ हमारा जितना रिलेवेंट पॉइंट्स दिया हुआ है मैट कैलकुलेशन के टाइम में, सिर्फ हमें वही कंसीडर करना है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करेंगे। फिर प्रॉफिट ऑन एसईजेड, ये भी इग्नोर होगा, इसको भी कुछ नहीं करना है एसईजेड का, क्योंकि एसईजेड जो होता है सेक्शन 10AA और हमारा सिर्फ सेक्शन 10 का इनकम हम आइडिया लेस करते हैं, क्योंकि सेक्शन 10 मतलब सेक्शन 10(1), 10(2), 10(3) वैसे होता है, 10AA, 10B वो सब सेक्शन 10 में इंक्लूड नहीं होता है। तो जब भी एसईजेड आएगा यानी कि सेक्शन 10AA आएगा, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, उसको कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है। नेट एग्रीकल्चरल इनकम 6 लाख, इसको करना है क्योंकि हम जानते हैं एग्जम्प्ट इनकम जो होता है वो लेस होता है, तो यहाँ पर हम करते हैं लेस। नेट एग्रीकल्चरल इनकम कितना, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि एग्जम्प्ट इनकम है, क्योंकि हम जानते हैं एग्जम्प्ट इनकम इज सब्सट्रैक्टेड, इस बोल के यहाँ पर लेस हो रहा है 6 लाख। फिर लेस रॉयल्टी रिसीव्ड, अभी अभी मैंने बताया था रॉयल्टी ये जो है रिसीव्ड फ्रॉम पेटेंट्स, ये वाला हमारा लेस हो जाएगा 40 लाख अंडर सेक्शन 115BBFI, क्योंकि हमारे मैट के अंदर है एक्सप्लेनेशन में, तो ये वाला भी लेस हो जाएगा। और क्या है, अब दिया हुआ है हमारा आईटी एक्ट का डेप्रिसिएशन, वो इग्नोर होगा हमेशा। ऑन डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, ये हम जानते हैं, ये हमारा डेप्रिसिएशन जो है जो हमारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन एज पर P&L है 4 लाख माइनस ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, वो माइनस हो जाएगा यानी कि 1,90,000। 4 लाख माइनस 1,90,000 दैट इज 2,10,000,
ये हमारा माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1 लाख पेबल टू वाई नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी हमारा रेलेवेंस कुछ भी नहीं है इस पॉइंट का, इसको भी हमें इग्नोर करना है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये जो हम अभी देखे थे यहाँ पर ऊपर 60,000 और 4,10,000, ये पॉइंट का वे जो निकाले थे 60,000 लोअर ऑफ द टू, तो वही हमें लेना है लेस लोअर ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड बिजनेस लॉस, तो वो क्या हो जाएगा 60,000 हमारा, तो ये हम ऐड लेस सब कर देते हैं, ये सब टोटल ऐड होके हो गया हमारा 10,30,000 का, हो जाएगा टोटल 1,05,30,000, ये हमारा टोटल आइटम लेस जो होके हो रहा है 48,70,000, इसका हम देख लेंगे ये हो जा रहा है 56,000, ये हमारा आ जाएगा बुक प्रॉफिट। अब इस पर हम मैट कैलकुलेट कर देंगे, तो क्या मैट कैसे कैलकुलेट होगा, एट द रेट 15% मैट इज एट द रेट 15% ऑफ बुक प्रॉफिट प्लस HEC जानते हैं एट द रेट 4%, ये अगर सरचार्ज होता तो हमारा 7% या 12% निकल लगता, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होता बुक प्रॉफिट, पर यहाँ तो कम 1 करोड़ से तो सरचार्ज नहीं लगेगा, खाली HEC और मैट लगेगा, जिसका हम अगर टोटल कर दे रहे हैं तो हमारा 8,82,960, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो थ्योरी है छोड़ दीजिए, नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है कि Arnold Limited UK का है कंपनी, दैट मीन्स ये क्या हो गया फॉरेन कंपनी, ठीक है, हैज अ ब्रांच ऑफिस PE इन इंडिया, देन द नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच इज 83 लाख, नेट प्रॉफिट कितना है 83 लाख, जो ब्रांच ऑफिस इंडिया में इसका एक ब्रांच ऑफिस है, उस ब्रांच ऑफिस का नेट प्रॉफिट है 83 लाख। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, क्या क्या इंक्लूड करता है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज लिस्टेड और अनलिस्टेड 8 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली, डिविडेंड फ्रॉम लिस्टेड दोनों इंडियन है और ये अनलिस्टेड, यहाँ 8 लाख यहाँ 4 लाख, ठीक है, उसके बाद जो के ब्रैकेट में रख रही हूँ, मतलब नेगेटिव मत समझ लीजिएगा, मैंने भूल से ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है, 8 लाख है और 4 लाख, फिर उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम MMS लिमिटेड ऑफ मुंबई 7 लाख, द अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय द इंडियन कंपनी इन फॉरेन करेंसी एज पर लोन अग्रीमेंट डेटेड 1/4/2014 सेक्शन 194LC एप्लीकेबल, ये एक MMS लिमिटेड है, वो भी एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन कंपनी, उससे 7 लाख ये जो ब्रांच है Arnold Limited का इंडियन ब्रांच वो रिसीव कर रहा है 7 लाख, किस में रिसीव कर रहा है फॉरेन करेंसी में, ये 7 लाख रिसीव कर रहा है और इसमें सेक्शन 194LC यानी कि TDS का सेक्शन एप्लीकेबल है। फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव फ्रॉम वरुण कंपनी लिमिटेड कोलकाता 25 लाख, तो और 25 लाख है कोलकाता से मिल रहा है उसे, यह क्या है टेक्निकल फीस है। द अग्रीमेंट वॉज मेड ऑन 10/8/2007, अग्रीमेंट कब का है 10/8/2007 अग्रीमेंट डेट है, एंड वॉज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज अमाउंट टू 6 लाख, 25 लाख मिल रहा है और इस पर एक्सपेंस कितना हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है 6 लाख का ये टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज पर रेगुलर प्रोविजंस इज 20 लाख विदाउट कंसिडरिंग द आइटम्स अबव आइटम को कंसिडर किए बगैर, और टोटल इनकम कितना हो रहा है 20 लाख का, ठीक है, ये हमारा सारा जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिला इस क्वेश्चन से। अब हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115JB, हमें बुक प्रॉफिट निकालना है, एंड ऑल्सो द टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द SSC, योर वर्किंग शुड बी सपोर्टेड बाय नोट्स, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली हम फॉरेन कंपनी से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो देखेंगे कि कैसे हम जब फॉरेन कंपनी का जब बात आता है तो उसमें हम कैसे टैक्सेबल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं नॉर्मली फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट क्या है, एट द रेट 40% फॉरेन कंपनी टैक्सेबल होता है 40% के रेट से, पर यहाँ पर देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें पता है हमें बुक प्रॉफिट निकालना है
और ऑल्सो द टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि हमें ये बोल रहा है कि मैट के हिसाब से भी टैक्स निकालो और फिर नॉर्मल टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो है वो भी निकालना है. इनकम टैक्स कैसे लग रहा है हमारा, तो इस प्रोविजंस में सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा डिविडेंड वगैरह यह दिया हुआ है कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज 8 लाख, डिविडेंड फ्रॉम लिस्टेड और अनलिस्टेड 8 लाख, 4 लाख, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं. ये तीसरा पॉइंट में सबसे पहले आते हैं. ये एक नया पॉइंट है, आप साइड में लिख सकते हो कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम MMS लिमिटेड ऑफ मुंबई 7 लाख्स, ठीक है. ये जो फॉरेन ब्रांच, इंडियन ब्रांच है आर्नल्ड लिमिटेड का, उसको MMS लिमिटेड से कितना 7 लाख रुपीज मिला एज इंटरेस्ट, ठीक है. तो ये जो 7 लाख रुपीज इंटरेस्ट मिला, द अमाउंट वॉज रिसीव बाय द इंडियन कंपनी MMS लिमिटेड इन फॉरेन करेंसी एज पर लोन अग्रीमेंट डेटेड इतना. ये किस में मिला? फॉरेन करेंसी में मिला. और अग्रीमेंट कब का था? 1/4/14. तो इसमें हम, और इसमें लिखा है कि 194 LC एप्लीकेबल है, 194 LC. तो ये जो 194 LC जो है वो TDS का सेक्शन है जहाँ बोलता है कंसेशनल टैक्स रेट लगेगा एट द रेट ऑफ कितना, 5%. यानी कि इसमें 5% से कंसेशनल रेट लगेगा उस इंटरेस्ट पे जो हम रिसीव करते हैं कोई भी लोन के लिए. जो लोन दिया जाता है, टाइम पीरियड कितना, वो हमारा लोन होना चाहिए आफ्टर 1 July 2012 टू आपका 1 July 2020 के बीच में अगर कोई लोन दिया हुआ है, उसके बीच का इंटरेस्ट है, अगर उसके बीच में हमें इंटरेस्ट मिलता है तो वो एट द रेट कंसेशनल रेट ऑफ 5% टैक्सेबल होगा उस इंटरेस्ट पे. तो यहाँ पर हमारा 1/4/2014 का है लोन अग्रीमेंट डेटेड, यानी कि हमारा 5%, ठीक है, इसमें चार्ज हो सकता है. और हमारा और एक चीज़ क्या है कि तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5% जो टैक्सेबल है इसमें हम लेस, तो इसमें हम लेस क्या करते हैं, कोई भी इंटरेस्ट, टेक्निकल फीस या इनकम जो भी है, अगर उस पर कंसेशनल रेट, मतलब अगर मैट के रेट से कम टैक्सेबल, कम रेट से टैक्सेबल है, तब वो हमारा लेस हो जाएगा. अगर वो 15% जो कि हमारा मैट का रेट है, मैट का रेट क्या है, हमारा मैट का रेट होता है 15%, तो अगर जिस रेट से हमारा यहाँ चार्जेबल हो रहा है अगर वो 15 से कम है, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिडक्ट करेंगे बुक प्रॉफिट में अराइव होने के लिए. अगर यहाँ 15% से ज़्यादा रेट है, ऑलरेडी टैक्सड हो चुका है 15% से ज़्यादा, तो यहाँ पर हम और उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, एड लेस नहीं करेंगे. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो कंसेशनल रेट पर टैक्सेबल है, दैट इज 5% पर टैक्सेबल है, विच इज़ लेस देन दैट मैट रेट, दैट इज इट इज़ लेस देन 15%. दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो 7 लाख है वो यहाँ लेस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा टू अराइव एट द बुक प्रॉफिट. अगर वहीं अगर ये 15% से ज़्यादा होता तो ये रेट अराइव नहीं होता. कि जैसे कि हम यहाँ पर तो देख लिए कि हमारा ये 7 लाख जो है 5% में टैक्सेबल है, इसलिए हम यहाँ पर 7 लाख अपना डिडक्ट कर लेंगे, डिडक्ट 7 लाख. वहीं पर हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव फ्रॉम कोलकाता, द अग्रीमेंट वॉज मेड ऑन 10/8/2007 एंड वॉज अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोवाइडिंग द टेक्निकल सर्विसेज अमाउंटेड टू 6 लाख. तो यहाँ पर जो ये टेक्निकल फीस है उसका कोई भी इस पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हुआ. जैसे हमारा TDS का सेक्शन एप्लीकेबल हुआ तो हम जाने की 5% से. तो नॉर्मली अगर फॉरेन कंपनी से हमें और कुछ भी फीस या टेक्निकल फीस मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, फॉरेन इनकम पे चार्जेबल रेट क्या है, 40%, जो कि है ग्रेटर देन 15% मैट का, से हम देखेंगे तो यहाँ पर हम इससे कुछ भी नहीं करेंगे, एडलेस यहाँ पर डिडक्ट नहीं होगा. तो इसको हम जस्ट नोट देके लिख देंगे एज कि हम देख ही लेते हैं, नोट एक बार पढ़ लेते हैं बुक से, नोट पे चलिए इसका. देखिए, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज कैसे किया है. फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अंडर एन अग्रीमेंट अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें क्या लिखा है ब्रैकेट में पॉइंट, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड सिंस द फॉरेन कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस थ्रू अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट दैट इज अ ब्रांच इन इंडिया. सच इनकम बीइंग इफेक्टिवली कनेक्टेड विद द ब्रांच इन इंडिया इज टैक्सेबल एट 40% अंडर सेक्शन 44DA. सिंस द इनकम इज नॉट टैक्सेबल एट अ रेट लेस देन 15%, इट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड फॉर डिटरमाइनिंग द बुक प्रॉफिट. एज द इनकम इज नॉट लेस देन 15%, दैट मीन्स we do not need to deduct it to arrive at the book profit. इसका कुछ भी adjustment नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा है मैट के रेट से. अगर मैट के रेट से जहाँ कम होगा वहीं पर हम deduction करेंगे. तो इसको कुछ नहीं करना, वहीं पर ये हमारा जो 5% concessional rate से charged हुआ है ये हमारा book profit से 7 लाख deduct होगा कि हम अपना arrive
मतलब बुक प्रॉफिट से बोल रही हूँ, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस से हम ये डिडक्ट करेंगे कि हम अराइव कर सके एट द बुक प्रॉफिट. तो वही हम देख लेते हैं अभी, कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट कुछ नहीं है इसमें. सबसे पहले हम देखेंगे नेट प्रॉफिट हमारा दे दिया है जो कि 83 लाख, फर्स्ट पे हमने लिख लिया था तो ये 83 लाख लिख देंगे. उसमें हम अब लेस या ऐड जो करना है, तो इसमें हम ऐड का कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ लेस का है. ये जो नॉर्मल है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज लिस्टेड अनलिस्टेड बुक प्रॉफिट में इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है. इसमें सिर्फ हम ये जो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ जिसमें 194 LC एप्लीकेबल हुआ, टेक्निकल फीस वाला पॉइंट ही सिर्फ इसमें आएगा क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में हमारा लोन जो है वो दिया गया है, इस बोल के यहाँ पर वो चीज़ आएगा और इन दोनों का हम एडजस्टमेंट करेंगे. तो पहला केस में हम देख लिए यहाँ पर जो 5% से टैक्सेबल हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम लेस कर लेंगे 7 लाख रुपीज लेस, आप लिख सकते हो इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड वेयर लोन इज गिवन इन फॉरेन करेंसी, इसे हम लेस कर देंगे टू अराइव एट बुक प्रॉफिट. और एक चीज, अब जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है वो कुछ नहीं जाएगा, आप लिख के नोट दे सकते हो टेक्निकल फीस नल. क्यों? एज टैक्स रेट चार्जेबल दैट इज 40% इज मोर देन मैट रेट 15%, 15% से ये ज़्यादा है तो यहाँ पर और दरकार नहीं है. तो यहाँ पर सिर्फ टोटल करके हम 7 लाख माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 76 लाख बुक प्रॉफिट. इसमें नॉर्मल हम मैट कैलकुलेट कर देंगे, मैट का रेट क्या है 15%, मैट 15% 70 लाख प्लस HUC एट द रेट 4%, तो ये हमारा निकल जाएगा 11,85,600, ठीक है. अब हमको क्या निकालना है, नॉर्मल टैक्स हम देख लेंगे, टैक्स लाइबिलिटी क्या निकलेगा. तो नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी में सिंपल है, नॉर्मल टैक्स निकालना है. इसमें हम देख लेंगे कि टोटल इनकम हम कितना है सारा देख लेंगे. एंड नॉन लिमिटेड का फॉरेन कंपनी है तो 40% है टैक्सेबिलिटी रेट हमारा, टैक्स लगेगा 40%, ये हमें पता है. तो हम देख लेंगे किस किस चीज़ में 40% लगेगा. सबसे पहले जो डिविडेंड रिसीव हुआ था फ्रॉम लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी से 8 लाख और 4 लाख, तो वो हमारा हो जाएगा 8 लाख प्लस 4 लाख. और क्या हमारा है, फिर हमारा और देखेंगे टोटल एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टोटल इनकम 20 लाख, 1 से 4 पॉइंट अबव को छोड़ के और एडिशनल 20 लाख का इनकम है, तो यहाँ 20 लाख और प्लस हो जाएगा. फिर फीस और टेक्निकल सर्विसेज हमारा 40% से टैक्सेबल हो रहा था जो हमने अभी भी देखे थे, इसको हमने इंक्लूड किए हैं, तो वो हमारा आ जाएगा. वो कितना है, वो हमारा हो जाएगा 25 लाख का फीस हमें मिला है, उस एक्सपेंडिचर टेक्निकल सर्विसेज का माइनस कर देंगे 25 लाख माइनस 6 लाख, वो 19 लाख का हमारा जो है ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये आ जाएगा 19 लाख. और क्या आएगा हमारा, और हम देखते हैं, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं आएगा, 20 लाख आएगा ये वाला, और ये 19 लाख हो गया, और ये 8 और 4 हो गया, कुछ नहीं हुआ. ये टोटल हमारा ये इनकम जो भी टैक्सेबिलिटी रेट है इसका रेट 40%, और हमारा जो 5% कंसेशनल रेट से हुआ है ऊपर हम जो देखे थे पॉइंट नंबर 3 का 7 लाख रुपीज़ जो 194 LC में एट द रेट 5% टैक्सेबल हुआ है, तो वो हम ले लेंगे 7 लाख एट द रेट 5%, ये सब एट द रेट 40%, 7 लाख एट द रेट 5%, और तो कुछ नहीं है. ये हमारा तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला हमारा निकल जा रहा है 20,40,000, ये 7 लाख का 5% निकल जा रहा है 35,000, तो ये हमारा हो जा रहा है 20,75,000, और इसमें कोई सरचार्ज तो नहीं लगेगा क्योंकि ये 1 करोड़ से कम है, खाली अच्छे से लगेगा एट द रेट 4%, इट इज़ 83,000, तो ये हमारा नॉर्मल टैक्स निकल जाएगा 21,50,000. ये हमारा ये नॉर्मल टैक्स निकल गया और ये हमारा मैट का निकल गया. तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों को कंपैरिशन करने से नॉर्मल टैक्स ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा नॉर्मल प्रोफेशन के हिसाब से ही टैक्स पेबल आएगा क्योंकि हमारा हायर ऑफ द टू होता है. तो यहाँ पर हमारा 11 क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आई होप आपको इसमें कुछ डाउट नहीं है, इसका सिर्फ फॉरेन कंपनी का प्रोविजन इसमें हमें ध्यान रखना है.
ये वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हुआ, तो इसमें ये वाला आप पॉइंट में न्यू पॉइंट करके ऐड कर सकते हैं। और आई होप ये आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा हो, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिव मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे अगले वीडियो बनाने का जील आता है। नहीं तो फिर लगता है कि पता नहीं किसी के लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। ये लाइक या कमेंट से मुझे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट या ऐसे कुछ नहीं होता है, और लेकिन बस ये एक है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि किसी को, किसी एटलीस्ट एक इंसान को तो मदद हो रहा है वीडियो से। तो अगर कुछ भी अच्छा लगता है, अब लास्ट तक देखते हो और आपको यहाँ, अगर आप ये सुन रहे हो, मतलब आप यहाँ तक रुके हो, तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी बताइएगा कि जिससे मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। अगर कुछ भी मेरा वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा है और कहीं पर क्लैरिटी नहीं है, तो प्लीज़ डू मैंशन इट सो दैट आई कुड इम्प्रूव that in my next video. And thank you for watching. Do share it with your friends and do subscribe the video. Thank you.